हाय गाइस, आज हम लोग रेडमी नोट 11 प्रो प्लस की इंडियन डिटेल्स को लेकर बात करने वाले। जब से भाई चाइना पे रेडमी नोट 11 प्रो प्लस को लॉन्च किया गया है, तब से काफ़ी सारे यूज़र एक्साइटेड है कि भैया ये इंडिया के अंदर कब तक आएगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि यही स्मार्टफोन डेफिनेटली इंडिया के अंदर आने वाला है, लेकिन किसी अदर नेम से। मतलब ये मी ब्रांडिंग के अंदर हमें देखने को मिलेगा, मी 11i हाइपर चार्ज के नेम से। मतलब जो चाइना के अंदर तीनों स्मार्टफोनों को रेडमी नोट 11 सीरीज के अंदर लॉन्च किया गया है, वो इंडिया पे रेडमी नोट 11 सीरीज के अंदर नहीं आने वाले, डिफरेंट डिफरेंट नेम के साथ आएंगे। जैसे कि नोट 11 5G जो है वो इंडिया पे पोको M4 प्रो 5G के नेम के साथ आएगा, और कल ग्लोबली मार्केट के ऊपर लॉन्च भी हो चुका है। एंड जो प्रो वेरियंट होगा वो इंडिया पे मी 11i के नेम के साथ बताया जा रहा है कि आने वाला है, और जो प्रो प्लस वेरिएंट होगा वो इंडिया पे मी 11i हाइपर चार्ज के नेम के साथ आने वाला है। मतलब तीनों स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आएंगे, लेकिन डिफरेंट नेम के साथ। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि चलो ये मी सीरीज के अंदर ही आता है, तो इसमें हमें क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, मतलब क्या अच्छी बात होगी और क्या बुरी बात होगी। तो देखो, अगर ये मी सीरीज के अंदर आता है तो मैं आपको पहले बताया था कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर सर्विस आपको बेटर मिलने वाली है। मतलब टाइम टू टाइम आपको अपडेट दिए जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बेटर रहने वाला है। प्लस पॉइंट ये होगा कि काफ़ी हद तक बग्स यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और बुरी बात ये होगी कि अगर ये मी सीरीज के अंदर आता है, फिलहाल कन्फर्म तो हो चुका है कि ये मी सीरीज के अंदर ही आएगा, तो यहाँ पर आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अब वो पैसे क्यों ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाएगा, ऊपर से बग्स यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मी सीरीज की प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है अदर सोमी के ही सब ब्रांड के स्मार्टफोनों से, और इसकी सर्विस बेटर रहती है, इसलिए थोड़ी सी प्रीमियम सीरीज के अंदर आती है। तो यही बस कॉजेज होंगे। अब आते हैं कि चलो मी सीरीज के अंदर ही आएगा, बट ये कब तक हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखो, नवंबर के एंड से लेकर दिसंबर के स्टार्टिंग तक बताया जा रहा है कि मी 11i एंड मी 11i हाइपर चार्ज हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको लेना ही है, ब्रांडिंग से आपको मतलब नहीं है कि ये मी सीरीज के अंदर आता है या रेडमी की सीरीज के अंदर आता है, बस फीचर वही होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा सोचते हो मेरे जैसा, तो आपको 1 मंथ वेट करना पड़ेगा। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो बैक में AG ग्लास बिल्ड की प्रोटेक्शन का सपोर्ट दिया जाएगा, एंड साइड एल्युमिनियम मेटल फ्रेम की होगी जो कि फ्लाइट होगी, एंड फ्रंट पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन का सपोर्ट दिया जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको एक प्रीमियम लेवल वाली मिलने वाली है। बाकी फ्रंट डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस की फुल HD+ के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा, एंड 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का। इसके अलावा 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट दिया जाएगा। तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको बेटर मिलने वाली है। यहीं पे रियर पे 108 मेगापिक्सल की ट्रिपल कैमरे का सेटअप होगा, प्राइमरी शूटर 108 मेगापिक्सल की होगी, जहाँ पे सैमसंग की HM2 सेंसर को ही यूज किया जाएगा। बट मी सीरीज के अंदर आने वाला है तो बेटर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगी। यहीं पे फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेंटर पंच होल कटआउट के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा। कैमराज यहाँ पे डिसेंट रहने वाले हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस को लेकर ये स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 वाले 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जिसकी एंतुतु बेंचमार्क स्कोर 5 लाख के ऊपर जाती है, एंड माली G68 MC4 ग्राफिक पे बेस्ड होगा, एंड 6 नैनोमीटर वाला ही चिपसेट होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेटर परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी एफिशिएंसी के साथ साथ बेटर ग्राफिक मिलने वाला है। बैटरी इमेज की बात करें तो 4500 इमेज की बैटरी का सपोर्ट दिया जाएगा, और इसे चार्ज करने के लिए 120 वाट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, तो इसलिए इसे हाइपर चार्ज के नेम से इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। अब कुछ अदर छोटे मोटे फीचर्स की बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट रहने वाला है, 3.5 mm जैक का भी सपोर्ट दिया जाएगा, प्राइवेसी को लेकर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ही रहने वाला है। इसके अलावा ऊपर पे आईआर ब्लास्टर, NFC, वाईफाई 6 एंड VC लिक्विड कूलिंग का भी सपोर्ट मिलने वाला है। साथ ही LPDDR4X रैम टाइप के साथ UFS 2.2 स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करने वाला है, विद बॉक्स इनवाइट 11 एंड MIUI 12.5 के साथ आने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेस्ट पैकेज के साथ आने वाला है, एंड मी सीरीज के अंदर आएगा तो मैंने आपको फर्स्ट पे बताया कि बेटर सर्विस मिलने वाली है। अब आते हैं हम लोग प्राइसिंग की तरफ। तो देखो, ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर जो 6128GB वाला वेरिएंट था वो 1899 yuan पे लॉन्च हुआ है, जिसे अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो कुछ 22,000 के आसपास होता है, मतलब 22,000 के आसपास। तो इंडिया पे समझ लो कि ये स्मार्टफोन की प्राइसिंग हमें 23 and 24,000 के आसपास ही देखने को मिले, मतलब 25,000 के नीचे ही इसकी प्राइसिंग
इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। फिलहाल आप लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड अगर ये मी सीरीज के अंदर आता है तो क्या आप लोग इसे परचेस करना चाहोगे या रेडमी के नोट 11 सीरीज को लेकर ही वेट करना चाहोगे, आप लोग मुझे इसके रिगार्डिंग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये था यहाँ पे रेडमी नोट 11 प्रो प्लस की इंडियन डिटेल्स। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं किसी के लिए फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।